जो आप बोले मुख्यमंत्री साहब, आप पूरे 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी में देना, आप फिर से ड्रामा स्टार्ट करें। आप वही इलेक्शन है बोल के खाली हुजूराबाद नहीं दलिता है। और आप एक बात बोल रहे हैं, बहुत जबरदस्त बात, जहां भी वही इलेक्शन आएगा मैं वहां पे दूंगा। तो क्या कर रहे हैं ना पूरे, अब जितने भी 119 एमएलए है, या तो उनको मौत आना या अपन पूरे मिलकर मार डालेंगे उन लोगों को। तो ना तो उनको मौत आती, ना तो अपन मार सकते, और आपका ड्रामा चलते रहता। मुख्यमंत्री बनाता हूं दलित को, नहीं तो गल्ला काट लेता बोले आप, फिर उसके बाद में आप 3 एकड़ देते बोले। कई ऐसे वादे करे आप, नौकरियां देता हूं, डबल बेडरूम देता हूं, कुछ भी नहीं दिया आप। इटेला राजेंद्र को हराने के लिए एक नया ड्रामा चलिए दलितों को दे रहे हैं आप, बहुत खुशी की बात है। पूरे दलितों को भी दियो आप, और फिरोज खान भी नहीं मांग रखने वाला है हफ्ते के दिन। माइनॉरिटी बंधु भी दियो, मुसलमानों को भी दियो। दलिता जितने परेशान है, हमला भी उतने परेशान है। केसीआर साहब, रंगनाथ मिश्रा, संचार कमेटी, पूरे रिपोर्ट पड़े ना यार। 12% देता हूं, वक्फ बोर्ड की जुडिशी देता हूं, नौकरियां देता हूं, सब बोले। अब हमारे को भी दियो, तो पहले आप इनको वादा करें ना। पहले हमारी मांग है फिरोज खान की, 119 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में हर एक दलित को आप 10 लाख दियो। आप अगर से देंगे तो आप हीरो बन जाएंगे। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप नहीं दे सकते। नौकरियों के लिए पैसे नहीं है तो आप कोकापेट में 2000 करोड़ के लिए ऑक्शन डाले सभी ना, खाली नौकरियों के पैसे देने। 12 लाख फैमिलीज है बोले तो 1,20,000 करोड़ कहां से लाते आप? खजाने में तो पैसे नहीं है। हाँ, मैं आप एक कल रिकॉर्ड में आके बोलो, केसीआर, केटीआर और कविता तीनों के अकाउंट में है तो बराबर मैं मान लेता हूं। स्टेट गवर्नमेंट तो नंगी हो गई, तुम लोग आबाद है। तो हमारा पैसा जो कमाए उसमें से निकाल के दलितों को दियो। जय हिंद, जय कांग्रेस।